कल हम चर्चा किया कि जो भाग्यवान जीव है वो गुरु और कृष्ण की कृपा से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि गुरु मतलब क्या, कौन है उनके, गुरु को बनाना का महत्व क्या है जीवन में, मनुष्य जन्म है उसका लाभ क्या है, जरूरी है कि नहीं है, ये केवल एक विकल्प है कि ये जरूरी है, ये सब चर्चा करते हैं। और बाद में अगर हमने गुरु को बनाया, हमारा कर्तव्य क्या है, शिष्यों का कर्तव्य क्या है। आजकल हम देख सकते हैं भारत में गुरु को बनाना एक कुछ शास्त्र चीज बन गया है, सब लोग गुरु बनाते, हम भी बनाते दीक्षा, लेकिन इसका अर्थ क्या है, दीक्षा का अर्थ भी क्या है, वो सब समझना चाहिए। तो जैसे श्रील प्रभुपाद ने कई बार शास्त्रों का प्रमाण दिया, सविज्ञानार्थम विज्ञान तद्विज्ञानार्थम सगुरु एवाभिगच्छे, कि अगर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, अगर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु के पास जाना बहुत जरूरी है, विकल्प नहीं है। अगर हम गुरु के पास नहीं गए, प्रमाणिक गुरु, तब हम आध्यात्मिक ज्ञान कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर हम गीता और शास्त्रों का अध्ययन भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, फिर भी सही तरीका से नहीं समझ पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब तो जैसे भागवत में कृष्ण बताते हैं कि किस प्रकार मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, 84 लाख योनियों में से केवल कितना, 4 लाख, 400,000 के 4 लाख मनुष्य ही, तो कितना कितना कम मात्रा है मनुष्य। तो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म में ही एक विशेष उपाय है कि हम धर्म का पालन कर सकते, कि हम जिज्ञासा कर सकते भगवान के बारे में, कि हम भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को ही प्राप्त कर सकते हैं। ये सब संभव है केवल मनुष्य जन्म में, और मनुष्य जन्म इसीलिए दिया गया भगवान। तो अभी इस जन्म में अगर ये अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो तब गुरु के पास जाना जरूरी है। और देखिए आप लोग कि इस जीवन में भी जो भी कुछ सीखना है तो गुरु से हम मतलब किसी न किसी व्यक्ति से हम सीखते हैं। नहीं हो सकते कि गांव में पढ़े लिखे नहीं है लोग, लेकिन गाय की सेवा करना है, चपाती बनाना है, खेत में दान डालना है, बाद में कटाई करना है, ये सारे काम वो ऐसा नहीं है कि हम अपने आप सीख जाते हैं, नहीं, कोई ना कोई व्यक्ति से हम सीख गए, अपने पिताजी माताजी से सीख गए, ऐसा है ना? तो वो हमारे गुरु हैं। माता जो माता है वो सबसे पहला गुरु है अपने बच्चों का, वो सिखाते हैं कैसे खाना, कैसे बोलना, कैसे चलना, बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ये एक प्रकार के गुरु है। स्कूल में हम जाते हैं, खा गा ABCD ये सब हम सीख जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार के गुरु है, टीचर। उसके बाद जो भी साइंस है तो ना कोई व्यक्ति से सीखना है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन जो है वो भी आध्यात्मिक गुरु से सीखना है, कोई भी व्यक्ति से नहीं। बाकी जो काम है तो कहीं भी सीख सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रमाणिक गुरु चाहिए। तो प्रमाणिक गुरु क्या है, कौन है, उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। क्योंकि लोग तो समझ जाते ठीक है गुरु को बनाना, लेकिन प्रमाणिक गुरु मतलब क्या वो नहीं जानते, इसीलिए इधर उधर जहाँ भी मौका है तो गुरु को बनाते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति प्रमाणिक नहीं है, अगर धोखा देने वाला
आदमी है, तब हमारा जीवन मतलब खराब हो जाएगा, हम नरक जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम भक्ति गलत तरीके से कर रहे हैं तो पाप लग सकते हैं, पाप लगेगा, पाप के वजह से नरक निश्चित है। तो गुरु के कुछ गुण के बारे में चर्चा करते हैं। श्री उपदेशामृत ये पुस्तक है जो अलग अलग शास्त्रों से रूप गोस्वामी, ये सद गोस्वामी में से एक उन्होंने ये रचित किया, उन्होंने ये लिखे। तो उसमें पहला श्लोक आता है कि वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदर उपास्त वेगम एतान वेगान यो भी सहित धीर सर्वम पृथ्वीम अपिमाम सशिष्यत। इसका अर्थ है कि जिन्होंने छह वेगों को दमन किया, कौन सा है छह वेग? वाचो वेगम, वाणी का वेग, बोलने का इच्छा है ना, बार बार बात करते हैं, बस चलता रहता, तो ये एक वेग है कि मुझे बोलना है, बताना है, वो नहीं सुनते तो फिर भी बोलना है कुछ ना कुछ, तो ये वेग वश में रखना। तो हम कैसे वश में रख सकते हैं? अगर हम भगवान के बारे में केवल बात करते हैं, अगर हम इधर उधर बात करते हैं तो कोई गांव में क्या हुआ, क्या होने वाला है, और चुनाव का परिस्थिति क्या है, ये सब बात करना जरूरत नहीं है, परंतु भगवान के बारे में बात करना। लोग खेलते हैं आवाज आ, उनको बोल सकते हैं तो बात ये है कि अगर भगवान के बारे में बात करते हैं तो तब ये वाणी का वेग दमन हो गया, वश में हो गया। मौन व्रत कर सकते हैं, लेकिन मौन, हरे कृष्ण यहाँ बैठी है अभी, प्रवचन चल रहा है और सबको बुलाया, जो बाकी वाले लोग सो गए सब। तो बाद में है मानस क्रोध वेगम, मन बहुत चंचल है, अनुभूति है आपका, मन घूमते रहते इधर उधर, अगर जाप करने का समय नींद नहीं आता है तब मन जाएंगे कहीं, जाए के बाद मन जाते चले जाते, तो उसको वापस खींचना, भगवान के नाम पर स्थिर करना, भगवान के बारे में विचार करना, भगवान की सेवा या भगवान के भक्तों की सेवा कैसे करना, ये सारे चीज के बारे में अगर हम विचार कर रहे तो मन वश में है। क्रोध गुस्सा कई बार आता है, नहीं आता है, बार बार आता है, तो ये भी एक चीज है जो क्रोध अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं करना। क्रोध अगर करना है भगवान की सेवा में, मतलब भक्तों की रक्षा, या अगर कोई व्यक्ति ने भगवान को अपमान कर रहे हमके सामने, तब उनको हम क्रोध कर सकते हैं, करना चाहिए, तब चुप नहीं बैठना, तब बोलना है। तो ये थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताता हूँ, बाद में जीवा उदर उपास्ता वेगम, जीव का वेग, पेट का वेग और जननेन्द्रियों का वेग, वो भी सब वश में रखना है, मतलब भगवान के प्रसाद खाने से ये वेग दमन हो गया। अगर हम मांस मछली चाय लहसुन प्याज और ये सब अगर ये सब हम खाते हैं तो इसका अर्थ है कि ये जीव का वेग दमन नहीं हुआ। वो सब सारे चीज़ जो मैंने बताया वो सब पाप है, मतलब आवश्यकता नहीं है जीवन के लिए, हमारा मन को दूषित करेगा, झूठा हो जाएगा, तो हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे, भक्ति में प्रगति नहीं हो सकते, रुकावट होगा मोह माया की क्या बोलते हैं उसे, माया हमें पकड़ते हैं उसके माध्यम से। तो
तो क्या करना, भगवान को भोग लगाए हुआ भोजन मतलब प्रसाद का ग्रहण करना। इसलिए जो बात है, और विशेष गुरु के बारे में हम बात कर रहे हैं, कभी कहीं भी नहीं खाते और कोई भी व्यक्ति से हाथ से भी नहीं खाएंगे, केवल लोग जो नियम पूर्वक से जप करते, भगवान की सेवा करते, भगवान को भोग लगा के वही खाते शुद्ध प्रसाद, दिव्य प्रसाद, तब हमारा जीव दमन हो गया। और ऐसा नहीं है कि उसके लिए केवल पता नहीं क्या करना, बॉइल्ड सब्जी क्या बोलते हैं, जिसमें कोई मसाला नहीं है, ऐसे कुछ नहीं, बहुत स्वादिष्ट भोग तैयार कर सकते भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जब तक ऐसे लेंगे भगवान का प्रसाद, तब कोई पाप नहीं होगा। तो ये सब समझना चाहिए। कई बार हम ऐसे तुच्छ आसक्तियों में आसक्तियों बनाए रखते हैं, जैसे चाय पीना है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तुच्छ आसक्ति के वजह से हम मोह माया में दुखी रहेंगे। क्यों, और हम क्यों भगवान ये सारे चीज़ नहीं पीते, इसलिए हम उनको भोग नहीं लगा सकते। जो भगवान को भोग लगता है वो हम ले सकते। तो हम क्यों इतना तुच्छ आसक्तियों के वजह से दुखी रहेंगे। जो बुद्धिमान व्यक्ति है थोड़ा प्रयास करेंगे। तो ये हम बात करें जीव, तो बाद में पेड़ को बढ़ा पूरा बढ़ने के लिए ज़्यादा खाना, वो भी बाद में नींद आते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो भक्ति में प्रगति नहीं हो सकते। और ज़्यादा खाने से जो काम वासना है, जननेन्द्रियों का वेग बढ़ जाएगी, तो इसीलिए सब कुछ कठिन है। अगर हम जीव को वश में रख सकते हैं, तो बाकी वेगों को भी वश में रख पाएंगे। अगर व्यक्ति भी ऐसे राजोगुणी का आहार, जैसे लहसुन प्याज और तमोगुणी का आहार मीन्स नाशा और ये सब लेंगे, तो ये काम वासना बिल्कुल बढ़ जाएगी, तो हम नहीं कर उसको दमन नहीं कर पाएंगे, तो पाप में फंस जाएंगे, बाद में दुख रहेगा। इसे भगवद गीता में ये सारे चीज के बारे में वर्णन दिया गया कि क्या हमें क्या स्वीकार करना, क्या लेना क्या नहीं लेना। तो यहाँ बात है कि जो गुरु है वो सारे इंद्रियों सारे वेगों को दमन कर रहे, इसीलिए सर्वम पृथ्वीम अपिमाम सशिष्यत, उन्हीं का अधिकार है पूरा पृथ्वी में शिष्यों को बनाना। तो हमेशा देखना है जिनसे हम आश्रय लेना चाहते हैं कि वो ये सारे इंद्रियों वश में रखा, पालन कर रहे कि केवल कभी कभी दिखा रहे कि कर रहे और पीछे पीछे और कुछ कर रहे, ये सब समझना चाहिए। और हमें खुद ये पालन करना होगा। नहीं, बात ये अगर गुरु ये सब पालन नहीं कर रहे तो शिष्य क्या करेगी तब। यथा गुरु तथा शिष्य, नहीं अगर गुरु सही नहीं है तो शिष्य का हाल और भी खराब होगा, वही होगा। इसीलिए बाद में समझना चाहिए कि गुरु प्रमाणिक परंपरा से आना, तो प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ है जो भगवान ने ज्ञान दिया अलग अलग व्यक्तियों को, जैसे ब्रह्मा को दिया, ये भागवत में पूरा कथा है, कैसे भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को सुनाया भागवतम के बारे में, बाद में ब्रह्मा नारद को, नारद वेद व्यास, और इस प्रकार अभी तक ये गुरु शिष्य परंपरा चल रहा है। इस प्रकार भगवान ने लक्ष्मी को सुनाया, इस प्रकार भगवान ने शिव जी को सुनाया, और इस प्रकार चतुष कुमार, ये चार प्रमाणिक संप्रदाय है, ब्रह्मा श्री ब्रह्मा संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय जिसको बोलते श्री संप्रदाय, और चतुष्कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो इसके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं ये ब्रह्मा माधव गौड़ीय संप्रदाय, जहाँ पर भगवान ने ब्रह्मा को बताया। तो बाद में हम आपसे पूछेंगे कि हमने क्या बताया, और अगर आप नहीं बता पाएंगे तो आपका फेल होगा एग्जाम, ठीक है, क्योंकि आप लोग बीच में बात करेंगे।
एक्चुअली कल जो होगा आपको एक नोटबुक लेना होगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। आप थोड़ा नोट कर सकते हैं, अभी जो पढ़ नहीं सकते कोई बात नहीं है, आप प्रयास कीजिए सुनने के लिए, बाकी लोग कर सकते हैं। स्कूल जैसे नहीं, आपको याद आएगा स्कूल, स्कूल में कैसे नोट्स करते हैं। तो प्रामाणिक पर तो ये अगर पूछेंगे संक्षेप में, एक हम बताया कि गुरु अपने इंद्रियों को वश में रखा, दूसरा है प्रामाणिक गुरु परंपरा से जुड़े हैं और अपने गुरु से गुरु के शिष्य है। अगर गुरु का कोई गुरु नहीं है तो वो गुरु नहीं बन सकते। गुरु बन सकते व्यक्ति जो जो जिनका गुरु भी है और वो सबसे अच्छे शिष्य है, इसलिए अभी गुरु का अधिकार है उनके पास ने? तो इस प्रकार, और गुरु मतलब वेदों के जो ज्ञान है उसी आधार पर जी रहे, अभ्यास कर रहे सारे चीज और बताते नहीं, अपने आप नहीं बताते, अपने मन से इस प्रकार। तो ये कुछ चीज है गुरु के बारे में, गुरु का अर्थ क्या है, गुरु लागू लागू क्या है, गुरु क्या है आपको पता है? हाँ लागो मीन्स बहुत हल्का है लागो, और गुरु मीन मतलब बहुत भारी है, हैवी। तो गुरु क्योंकि भगवान सर्वशक्तिशाली, सर्व सब कुछ उनसे ही प्रभावित है, सब कुछ ही भगवान है। तो गुरु क्योंकि गुरु उन्हीं के प्रतिनिधि है, भगवान की कृपा से पूरा शक्ति है गुरु के पास, तो इसलिए उनके पास सब्सटेंस है, भारी है भगवान की कृपा से। और भगवान जो ज्ञान दिया उससे वो पूरा बड़ा हुआ गुरु, इसीलिए गुरु। और दूसरा गुरु है भी मतलब शिष्य को डांटते, क्योंकि शिष्य कभी कभी मिथ्याहंकार है, मोह माया में है, तो उसको समझाने के लिए, सिखाने के लिए, सुधारने के लिए डांटते। चाणक्य पंडित ने भी कहा कि गुरु और पिता वो अपने बच्चों और शिष्यों को डांटते हमेशा, जरूर भी नहीं है फिर भी डांटते, अगर कुछ गलती भी नहीं किया फिर भी डांटते। क्यों? अगर उसको ऐसे रखेंगे आराम से जो भी कुछ करना है तो उसका चरित्र बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो कई बार डांटते कि ऐसे करना वैसे नहीं करना, वो किया भी नहीं कुछ फिर भी, तो क्या है वो मिथ्या अहंकार जो है, जो सबसे बड़ा बीमारी है हमारा, वो हट जाएगा और तब हम स्वाभाविक विनम्र भाव में भगवान की सेवा कर पाएंगे। इसे गुरु कभी डांटते, और गुरु कई बार डांटते वो बातों को जो ज्यादा समर्पित है, जितना ज्यादा समर्पित है शिष्य इतना ज्यादा डांटते, और ये गुरु की विशेष कृपा है। श्रील प्रभुपद ने कहा कि एक बार जब उन्हीं के गुरु प्रवचन दिया तो ये बहुत श्रवण में रुचि था श्रील प्रभुपद के, लेकिन बीच में एक दूसरा बात ने कुछ पूछा ऐसा है, जैसे आप बात करते कभी, तो उन्होंने पूछा उससे तो उन्होंने बस उत्तर दिया प्रवचन के बीच में। तो क्या है वो व्यक्ति जो जो जिज्ञासा किया, वो मीन्स जो उनसे ऐसे बात किया, वो बहुत बड़े व्यक्ति थे ऐसे भौतिक दृष्टिकोण से, उन्होंने बहुत गुरु को दान दिया ऐसे। उन्होंने बोला तुम हम गुरु से ज़्यादा जानते हैं, तुम सोच रहे हो कि आप मुझे करीब लिया वो जो आप दान दिया, मैं उन्हें ऐसे डांटा। और श्रील प्रभुपाद जो भी थे वो बोले कि आप खुद ही प्रवचन दो, मैं ऐसे बोला। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा क्योंकि सबके सामने ऐसे डांट सुनना तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, सब लोग इतना सारे लोग हैं। तो तब श्री प्रभुपाद ने समझ गए कि ये गुरु की विशेष कृपा थी कि उन्हें मुझे डांटा ऐसा सबके पास सामने। क्योंकि हम सोचते नहीं, मतलब अगर हम बीच में बात करते हैं, ये मैं आपके बारे में बोल रहा, सब जनरली ये सीखना है सबको कि मतलब हम ध्यान नहीं देते, हम केयर नहीं कर रहे, ध्यान नहीं देते कि ये अभी महत्वपूर्ण बात, एक और जो गुरु है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो जो बोल रहे वो ज्ञान भगवान से ही आ रहे हैं, हम इसमें बात कर रहे हैं
तो इसका अर्थ क्या है कि हम केयर नहीं कर रहे, मतलब हम सोचते कि महत्वपूर्ण चीज नहीं है, तो मतलब इसमें अपराध आता है। इसे गुरु की कृपा है जो दार्ट सिखाते, नहीं सुनो ध्यान रखो, तो मिथ्याहंकार हट जाते, साफ हो जाते। शिव प्रभुपाद ने कहा जब गुरु दार्टते, ये सबसे बड़ी कृपा है। अगर गुरु हमारा गुणगान करते, बहुत अच्छे बात, बहुत अच्छे बात, ये बहुत बड़ी खतरा है हमारे लिए, डेंजर है। क्यों? क्योंकि हाँ, अगर हम सोचने लगेंगे, देखिए गुरु स्वयं उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़े बात हूँ, तो मैं तो बहुत बड़े बात हूँ, तो हम माया में फंस जाएंगे। क्योंकि जो बाग थे कभी नहीं सोचे कि मैं बड़े बाग थे, मैं दास हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं भक्तों का, ये गुरु का, गुरु के जो शिष्य हैं उन्हीं के दास हूँ। हम भगवान के दास भी नहीं, हम भक्तों के दास, हम पीछे पीछे, हम तुच्छ हैं। ये भक्तों का विचार है, लेकिन गुरु ने बोला कि मैं तो, आप तो बहुत अच्छे हैं। और अगर हम सोचेंगे कि हम तो अच्छे भक्त थे, कि हम तो बहुत बढ़िया है, तो मतलब हम ऑलरेडी फंस गए माया में। इसलिए जब गुरु बोलेंगे तुम ऐसा बेकार जाओ, अब कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ऐसे ही बोलेंगे, बहुत अच्छा नहीं लग रहा, तो वो हमारा मिथ्याहंकार को कट हो रहा है अंदर, ऑपरेशन। तो ये बहुत बड़ी कृपा है, ये समझना है। तो इस प्रकार ये कुछ चीज है। तो कुछ और दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं अभी कि कैसे भगवान को प्राप्त करना, कुछ अलग अलग क्रम है। तो एक है जो हम क्या बोलते हैं कि लोग, नए लोग प्रोग्राम चल रहे तो आते हैं कीर्तन में प्रवचन सुनने के लिए, तो उनको अच्छा लग रहा है ना, जैसे आपको अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, पूछिए, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, तो मतलब जब लोग आते हैं और कुछ नहीं जानते क्या चल रहा है, फिर भी उनको अच्छा लग रहा है, उसको बोलते हैं अधाव श्रद्धा, विदेह विशेष शुरुआत में उनके अंदर में विश्वास है कि यह बहुत अच्छी चीज़ है भगवान की भक्ति करना, फिर भी कुछ उनको पता नहीं क्या है, वो पहला कदम है भक्ति में। दूसरा है साधु संघ, साधु संघ के ऐसा व्यक्ति बारम्बार सत्संग में आते रहते, उसमें सीख जाते हैं कि मुझे जप करना है, मुझे भगवान को भोग लगा के खाना है, तिलक लगाना है, सुबह पूजा करना, शाम पूजा करना, तो वो करते रहते बार बार, जब सत्संग का मौका मिले तो वहाँ जाएगा साधु संघ। उस साधु संघ जाने से और शास्त्रों का से श्रवण करते हैं, तो वहाँ सुनते हैं कि गुरु, गुरु से आश्रय और दीक्षा लेना है, तो ये भी समझ पाते हैं, तो उनके अंदर में इच्छा भी आते हैं दिल से कि मुझे अभी एक प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेना होगा, क्योंकि ये शास्त्रों का नियम है, ये तरीका है जिससे हम प्रगति कर सकते भगवान के पास। इस तीसरा स्तर जो है, इसको बोलते हैं भजन क्रिया, भजन भगवान की भक्ति क्रिया करना, कैसे, गुरु के मार्गदर्शन के अंदर, गुरु। और वास्तव में उस समय हम सही तरीका से भक्ति शुरू किया जब हम दीक्षा गुरु से लेते, उसके बाद आएगा अनर्थ निवृत्ति, जो हम बात कर रहे हैं कि सारे अनर्थों का सफाई होगा अंदर, काम क्रोध लोभ मोह द्वेष, तब होगा अच्छे से डीपली गहरे में जाएगा, पूरा दिल साफ करना, उसके बाद निष्ठा हो जाएगी भक्ति में, हम स्थिर हो जाएंगे, बाद में रुचि, कि इतना रुचि होगा हरे कृष्ण जप करने के लिए, भक्ति के लिए, कि बाकी जो भौतिक रुचि है हट जाएगा अपने आप। उसके बाद आसक्ति, भगवान के लिए आसक्ति, जैसे अभी आपका आसक्ति है अपने बच्चों के लिए, अपने पैसा के लिए, ने? और अपना यश के लिए इतना आसक्ति है, ये जो भी है आपके पास, अपने ज्वेलरी क्या बोलते हैं सोना जो भी यूज करते हैं, आसक्ति है, नहीं उसमें आसक्ति है, लेकिन इस प्रकार का आसक्ति भगवान के लिए होगा उसी स्तर पर, बहुत आगे है,
उसके बाद भाव भगवान के लिए, जो उसी असति से और भी शक्तिशाली भावना है भगवान के लिए, और उसके बाद प्रेम, जहां पर भगवान के बिना नहीं जी सकते। तो ये अलग अलग क्रम है। अभी हमारा क्रम कहाँ है, हम यहाँ भजन क्रिया तक पहुंच गए, ये अभी हम पहुंचने वाले हैं कि अभी तो दीक्षा से पहले व्यक्ति समझ पाते कि गुरु का आवश्यकता है, कि मैं अज्ञानी हूँ। जब मैं भी पढ़ता हूँ शास्त्रों का, शास्त्रों को, फिर भी मैं अज्ञानी हूँ, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली वो कैसे क्या करना, इसलिए मुझे मार्गदर्शन चाहिए। और मुझे केवल मार्गदर्शन नहीं, उन्हीं की कृपा भी, मार्गदर्शन तो है शास्त्रों का, और हम सुनते कि मैं, मुझे ऐसा माला करना, मुझे सारे इंद्रियों को दमन करना, लेकिन बीच में हम भटकते और गिर जाते, हम गलत भी करते, तब हम समझ पाते कि वास्तव में कृपा चाहिए मुझे, कि मैं जो नियम है वो भी कि मैं अच्छे से पालन करूंगा, उसके लिए मुझे कृपा चाहिए, तब इच्छा आते कि प्रमाणिक गुरु। तो अभी गुरु कौन, हम समझ गए प्रमाणिक गुरु कौन, परंतु अभी कहाँ मिलेगा, बाजार में जाएंगे, हर दिन बाजार लगता है, कब, कौन सा दिन लगता है बाजार, रोज, तो जाए बाजार में जाए कि माँ गुरु को प्राप्त करने के लिए, कहाँ मिलेगा, विदेश में, भारत में, कहाँ माता जी, कहाँ मिलेगा गुरु को, कैसे मिलता है गुरु को, नहीं आप मुझे बताए, उनको मुझे बताए किस, ध्यान तो कैसे, अच्छा श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि वास्तव में जब ध्रुव महाराज अपनी माँ से पूछा कि मैं कहाँ भगवान को देखूँ, मतलब वो परेशान थे कि मुझे और कुछ चाहिए, लाभ मिस राजा को चाहिए, तो कहाँ कैसे प्राप्त करूँगा, तो माँ ने कहा कि भगवान विष्णु आपको सहायता कर सकते। तो उसके बाद उन्हें पूछा कहाँ भगवान, कहाँ, तो बोले जंगल में, वन में सारे ऋषि मुनि भगवान की भक्ति करते, तपस्या करते भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो तब ठीक है मैं जाऊँ, उनका दृढ़ इच्छा था भगवान को प्राप्त करना। रास्ते में नारद मुनि आया और उन्होंने पूरा शिक्षा दिया, मंत्र दिया और दीक्षा दिया वास्तव में ध्रुव महाराज को, और बाद में उसी क्या बोलते हैं उसी आज्ञा, उसी मार्गदर्शन के अनुसार उन्होंने सारे नियम पालन किया, नियम सब कुछ पालन किया, तो भगवान को प्राप्त किया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर दो व्यक्ति हैं जो भगवान के बारे में मार्गदर्शन दिया उसी लीला में, एक है माँ सुनीति जो ध्रुव को समझाया कि भगवान विष्णु है, उन्हीं की भक्ति करना, और बाद में नारद मुनि। तो ये दो प्रकार के गुरु है वास्तव में, वास्तव में तीन प्रकार के गुरु है। एक है वात्मा प्रदर्शक गुरु, ये याद रखिए, वात्मा प्रदर्शक गुरु ये है जो पहली बार व्यक्ति को बताते भगवान की भक्ति क्या है। वो तो कोई भी हो सकते हैं, अपनी माँ हो सकते हैं, आपका मित्र है जो भगवान के बारे में जानते हैं, तो बताते कि नहीं भगवान कृष्ण ही है और वहाँ जाना है, बस इतना ही बताते हो सकते हैं। सुनीति ने कहा कि जंगल में भगवान, और पहले बता विष्णु और जंगल में, बस इतना भगवान के बारे में कुछ ज्ञान दिया सबसे पहले। तो ये वर्तमान प्रदर्शक गुरु जो जो मार्ग दिखाते कि वहाँ जाना, उस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है भगवान की तरफ। ठीक है, तो बाद में जो उसी श्लोक में गुरु कृष्ण प्रसाद है, बाद में दूसरा है कि भगवान जानते कि ये व्यक्ति गंभीर है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तब वो वास्तविक आध्यात्मिक गुरु को भेजेंगे, और वो गुरु पूरी तरफ से नियम के अनुसार वो बताएंगे। वो पहला गुरु जो है वात्मा प्रदर्शक गुरु जो रास्ता दिखा रहे, हो सकते कि वो शुद्ध वैष्णव नहीं है, और हो सकते कि वो खुद
पूरी तरफ से भक्ति नहीं कर रहे, तो उन उनसे हम केवल रास्ता मिला कि वहाँ जाना, लेकिन उसके बाद कि पूरी तरफ से सही तरीके से भक्ति करेंगे तब आध्यात्मिक गुरु चाहिए, और वो भी भगवान भेजेंगे। तो वो शिक्षा गुरु है जो शिक्षा दे रहे हैं, और जब हम शिक्षा को अच्छे से ग्रहण कर रहे शिष्य श्रवण करने से, तो तब उनसे दीक्षा लेते हैं। तो इस प्रकार मार्ग दिखाना बात में परराष्ट्र गुरु, दूसरा है शिक्षा गुरु, और तीसरा है दीक्षा गुरु, और एक है चैत्य गुरु। चैत्य गुरु है परमात्मा, जो एक्चुअली जगत गुरु भगवान है परमात्मा रूप में, वो वास्तव में दिखाते बोलते क्या करना, लेकिन क्योंकि हम परमात्मा का आवाज अगर सुनते भी कभी कभी उसका उसको हम पालन नहीं कर पाते, क्योंकि काम वासना क्रोध है मोह माया का प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए हम नहीं समझ पाते। इसीलिए भगवान बाहर से गुरु को भेजेंगे जो एक व्यक्ति हम जैसे है, तो वो हमें एक ही ज्ञान बताते हैं, जो परमात्मा बताते हैं वो एक ही चीज़ बताते हैं। तो शिक्षा गुरु जिसके बारे में हम बात किए वो बहुत सारे हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही जो हमें दीक्षा देंगे वो एक ही व्यक्ति है, उसको हम बदल नहीं सकते। शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम दीक्षा लिया श्रीला प्रभुपाद के शिष्य से, जैसे यहाँ पर हम परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के शिष्य है, तो वो हमारे दीक्षा गुरु हैं। परंतु उनके जो वरिष्ठ शिष्य है हमारे गुरु भाई, वो भी हमारे शिक्षा गुरु है, जो हमें हमेशा हम गुरु के पास नहीं जाते हर एक छोटा चीज को पूछने के लिए, अगर हमारे कुछ डाउट है हम बाकी जो वरिष्ठ भक्त हैं उनसे हम जिज्ञासा करते, वो हमें बताते कि ये करना ऐसे करना, फिर और कुछ डाउट है तो तब हम गुरु के पास जाते। तो ऐसे तो इस प्रकार शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा एक ही हो सकती, परंतु जो दीक्षा है दीक्षा का अर्थ क्या है वो भी समझना चाहिए। वर्णन है कि दिव्यम ज्ञानम यथोदाध्याय पूर्व पाप से संक्षयम, ये दीक्षा का अर्थ है। दीक्षा दि मतलब दिव्यम ज्ञानम, दिव्य ज्ञान श्रवण करने से गुरु से, पूर्व कुर्य पाप से पूर्व जो हमने कुछ पाप किया वो नाश हो जाएगा। तो वास्तव में दीक्षा उपदेक्षांति गीता में शब्द आते हैं, उपदेश दिव्य ज्ञान जो है उसका उपदेश प्राप्त करने से हमारा दीक्षा हो जाता है। इसलिए शिष्यों का प्रथम कर्तव्य है गुरु से श्रवण करना बार बार जितना हो सके, वो श्रवण करने से बाद में हम वो पालन कर सकते। तो गुरु केवल ऐसा नहीं है जो बस वो बैठेंगे आशीर्वाद देंगे कुछ बताएंगे, बट आशीर्वाद और दान लेंगे शिष्यों से, बस ये उनका काम है नहीं। गुरु का कर्तव्य कि शिष्यों का पूरा मोह माया को हटाना, सारा जिज्ञासा और डाउट्स को क्लियर करना, जो भी कुछ समस्या है भक्ति में वो सब क्लियर करना है। अंतिम में गुरु का कर्तव्य शिष्य को भगवान के तरह भगवान के पास ले जाना। तो उसके लिए अगर अभी गुरु जो है आपने को असमर्थ ये क्या बोलते हैं असमर्थ समझते हैं कि मैं अपने आप नहीं कर सकता हूँ, फिर भी क्योंकि वो पूरा समर्पित है भगवान की सेवा में, ये पूर्व आचार्यों की सेवा में, तो उन्हीं की कृपा से उनको लग रहा है कि ये संभव है। जैसे जैसे हमारे गुरु महाराज ने कहा कि मैं अपने आप किसी को कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ अपने आप, परंतु मेरा विश्वास है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप लोग पालन करेंगे तो जरूर आप भगवान के पास पहुँच जाएंगे। तो क्यों इतना विश्वास है कि जो मैं बता रहा हूँ, वो बोले क्योंकि मैं अपना बात नहीं बताता, जो हमारे गुरु शिला प्रभुपाद बताते वो मैं केवल दुराता हूँ, क्या बोलते हैं वही मैं बताता हूँ, और मेरा विश्वास है जो हमारे गुरु बताते तब आपका उद्धार हो सकते हैं। महाराज मेरा सेवा है
उनका वाणी जो है, उनकी शिक्षाओं को आगे बताना, इसीलिए मेरा विश्वास है कि आपका उद्धार होगा। और श्रील प्रभुपाद ने खुद वही बताया कि मेरा कोई अधिकार नहीं है, अगर कुछ है तो इतना है कि जो पूर्व आचार्य और हमारे गुरु महाराज, उन्हीं के गुरु महाराज जो उन्होंने बताया, तो मैं यथारूप बताता हूँ, एज इट इज बताता हूँ, इसीलिए उसमें ज़्यादा फायदा है। तो ये अपने आप हम कुछ नहीं कर सकते, अपने आप हम भगवान मोह माया में फंस जाएंगे, कुछ बस इतना ही है, और दूसरे को फंसाएंगे। परंतु तो अगर हम अपने गुरु का जो वाणी है श्रवण करके, अभ्यास करके दोहराते केवल आगे बताते, तब फायदा होगा। इसीलिए हम कई बार बोलते हैं अभी सबको आना है, सुनना है, क्यों नहीं सुनते प्रवचन, तो लग रहे कि हम सोच रहे कि अभी मैं जो प्रवचन दे तो इतना अच्छा होगा कि सबको श्रवण करना चाहिए क्योंकि मैं अच्छा हूँ। नहीं, ये ऐसा नहीं है। हम खुद अपने आप कुछ, हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हमारा प्रवचन सुनना कोई जरूरत नहीं है। परंतु क्योंकि हम बताएंगे जो हमारे पूर्व आचार्यों ने बताया, इसीलिए आपको श्रवण करना चाहिए, क्योंकि मैं उन्हीं का संदेश बताता हूँ, उन्हीं का समाचार, वो जो घोषित किया भगवान और पूर्व आचार्य, वो हम बताते हैं आपको, इसीलिए आपको श्रवण करना चाहिए। ये समझ तो अभी हम देख रहे हैं कि दीक्षा से पहले यहाँ पर हमारे पास एक पुस्तक है, इसका नाम है नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु, जिसमें भक्ति के बारे में पूरा विस्तार में एक एक चौथे चौथे डिटेल्स के बारे में वर्णन है। तो वहाँ जो भक्ति के बारे में, भक्ति का जो सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा हो रहा है, तो उसमें सबसे पहला सिद्धांत है गुरु पदाश्रम, गुरु से आश्रय लेना। बाद में बहुत सारे नियम हो ही आएंगे कि जप करना, पूजा करना, सब कुछ, लेकिन उससे पहले गुरु आश्रय, कि गुरु हमें सिखाएंगे कैसे जप करना, कैसे पूजा करना, कैसे भोग लगाना, कैसे मंदिर में प्रणाम देना भगवान को, सारे चीज ए तो जेड सब कुछ गुरु से ही सीख जाएंगे। और वास्तव में हम तो सीख सकते हैं और जानते हो सकते हैं बचपन से कैसे पूजा करना, कैसे प्रणाम देना, परंतु गुरु के माध्यम से अगर हम भगवान की सेवा कर रहे तब भगवान प्रसन्न होंगे, सीधा हम नहीं कर सकते, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान तो सब जगह में है, अगर उनकी इच्छा स्वीकार करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा स्वार्थ है अंदर, काम वासना, इसके वजह से हम भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, हम झूठे हैं अंदर में। तो भगवान इतना दयालु है कि गुरु को भेजेंगे, और ये भगवान का कृष्ण कृपा मूर्ति, भगवान की कृपा का मूर्ति है गुरु, जो इतना दयालु है कि हम इतना झूठे भी है, इतना तुच्छ और गंदे है, फिर भी हमें स्वीकार करेंगे। अब देखें कि आपका थोड़ी सी इच्छा भी है भगवान की भक्ति करना, तो गुरु, और जितना इतना गलती करे, इतना पाप करे, इतने झूठे है, अब ठीक है, कोई बात नहीं है, भक्ति करो, अब आओ, सुनो, सीख जाओ, जो भी आपको करना है स्वीकार करेंगे। ये गुरु का एक महत्वपूर्ण गुण है कि बहुत दयालु है। श्री गुरु करुणा सिंधु अरमा जनार बंधु, इसका अर्थ है कि श्री गुरु करुणा सिंधु समुद्र, ये जो दया, दया का सागर है, सागर जैसे, श्री गुरु करुणा सिंधु अदमा जनार बंधु, अदम, हम अदम है, हम तुच्छ मीन्स हम अदम है, बंधु वो गुरु हम ऐसे लोगों का मित्र है, उनके साथ मित्र बनाते हैं, जो लोग सबसे तुच्छ है, नीच है, गुरु उनके मित्र है, उनके हितेश है, हमेशा कल्याण देना चाहते, कृपा देना चाहते ऐसे, तो ये गुरु का गुण है। निस्संदेह हमारी तरफ से वो उनके जो दया का गुण है उसको दुरुपयोग नहीं करना, कि हम सोचेंगे गुरु इतना दयालु है इसीलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी से बन जाएंगे और हम सब कुछ गलत करेंगे जानबूझ के, वो तो दयालु है माफ़ करेंगे, बड़ा अपराध होगा, ऐसा नहीं सोचना।
हमें प्रयास करना कि हम पूरा अच्छे से पालन करेंगे। देखिए गुरु इतना दयालु है कि वो हमारा पाप भी स्वीकार करेंगे, अपने ऊपर सारे शिष्यों का पाप लेते। तो ये वास्तव में जब गुरु शिष्यों को दीक्षा देते, आश्रय देते और दीक्षा देते, तब उसी समय गुरु शिष्यों का पूर्व पाप जो भी कुछ हुआ सब कुछ ले जाते, पूरा साफ कर देते और आप आपके पास लेते। देखिए अगर हम पाप से शुद्ध नहीं है तो हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो गुरु इतना दयालु है कि शिष्य का पाप लेते अपने पास। कैसे ये कैसे है? तो हम ऋण ही है ना, गुरु ऋण होगा, तो गुरु ऋण कैसे हम पे करेंगे? संभव है? गुरु ऋण कभी भी हम पे नहीं कर सकते, गुरु ऋण हम कभी रिपे नहीं कर सकते। हरे कृष्णा, क्या बताएंगे आप? अगर कठिन है नीचे तो ऊपर बैठ सकते, अगर नींद आ रहे तो खड़े रह सकते, नो प्रॉब्लम। तो गुरु ऋण कभी पूरी नहीं हो सकते, परंतु फिर भी हमारी तरफ से पूरा प्रयास होना चाहिए गुरु को, गुरु का ऋण रिपे करना। तो इस प्रकार अभी हम देखते हैं यहाँ पर वर्णन है कि यस गुरु आश्रय लेना है। इसका अर्थ क्या है? आश्रय दीक्षा नहीं है, ये केवल आश्रय ही है। तो इसका अर्थ है कि हम विशेष गुरु से आश्रय लिया। आश्रय मतलब शेल्टर, आश्रय मतलब कि हम सुरक्षित हैं। यस हम आश्रय लिया। मान लीजिए कि हम कहीं बाहर है रास्ते में तो बहुत तूफान आ गया, तो हम कहाँ, हम एक वृक्ष के नीचे आश्रय लेते हैं। हम आश्रय लेते कि हम सुरक्षित हैं तूफान से। तो ये भाव सागर तो तूफान जैसा है, दुख है, कुछ भी हो सकते, पदम पदम विपदम नतीश, खतरा है हर एक कदम में इस संसार में। हम गुरु का आश्रय लेते तो हम सुरक्षित हैं। तो अभी टेक्निकली आश्रय मतलब कि हम गुरु विशेष गुरु से आश्रय लेते और स्वीकार कर रहे, तो तब गुरु देखेंगे कि ये शिष्य जो आश्रय लिया, जिन्होंने आश्रय लिया, तो वो कितना गंभीर है, कितना अच्छे से नियम पालन कर रहे और सेवा कर रहे, उनका सेवा भाव क्या है। और शिष्य गुरु को देखेंगे और उनसे सुनेंगे और देखेंगे कि ये गुरु वास्तव में प्रमाणिक गुरु है कि नहीं, थोड़ा समझने के लिए प्रयास करेंगे। इसे इस्कॉन में नियम है कि कम से कम 6 महीने आश्रय और दीक्षा के बीच में होना चाहिए कम से कम, कि थोड़ा एग्जामिनेशन होगा दोनों तरफ से, और बाद में अगर दोनों तरफ से संतुष्टि है, शिष्य संतुष्ट है कि ये गुरु वास्तव में दिल से हम तैयार हैं, कि ये गुरु जो गुरु है इतना अच्छा है कि हम तैयार हैं अपने जीवन समर्पित भी करना, जो भी वो बताएंगे हम पालन करेंगे, तैयार हैं, कठिन भी होगा, डांटेंगे भी, कोई बात नहीं, ये सब समझना चाहिए। कुछ भी होगा ये हमारे गुरु है, ये भगवान, ये समर्थ है हमें भगवान के पास ले जाने के लिए, ये हमारा विश्वास होना चाहिए अंदर। नहीं तो हम गुरु का आज्ञा और उपदेश संदेह के साथ पालन करेंगे कि हो सकते नहीं हो सकते, तो कठिन होगा, दृढ़ता नहीं आएगी बातें। और जब गुरु देख रहे कि शिष्य अच्छे से पालन कर रहे हैं, अच्छे सब कुछ प्रयास कर रहे हैं, भक्ति में गंभीर है, तो तब दीक्षा देंगे। तो दीक्षा ऐसा नहीं है कि हम दीक्षा लेते गुरु से, क्योंकि अभी जैसे हम दुकान में गए तो हम वहाँ से ये खरीदने, क्योंकि मेरी मर्जी है तो मैं ले रहा हूँ, इतना पैसा लेता। दीक्षा और गुरु जैसे हम बात किए, ये भगवान की आयतु की कृपा है। गुरु दीक्षा देंगे जब उनकी मर्जी होगी, तो वो भी, और भगवान की इच्छा जब होगी तब ये होगा। तो इसीलिए हम मतलब भक्त जो अभी सोच रहे कि आश्रय लेना और कहाँ से आश्रय लेना, कौन सा गुरु है, शिल प्रभुपाद है तो बहुत सारे गुरु हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक गुरु है, केवल भक्त विकास महाराज है, केवल
जयप्रथा का महाराज या केवल, तो बहुत सारे महाराज हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक है। इस कुल में जिसका प्रॉपर के बहुत सारे प्रमाणिक गुरु है जिनसे हम दीक्षा ले सकते हैं। और कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि केवल इसी गुरु से लेना पड़ेगा। अगर आपकी श्रवण करने से अगर आपका भाव है कि नहीं उसी गुरु उनसे दीक्षा लेना इच्छा है तो उनसे ले सकते। अगर गुरु आपको स्वीकार करेंगे उनकी तरफ से ये भी है, पर ऐसे नहीं, दबाव नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सब समझाना जरूरी है। उसके बाद हाँ, उसके लिए हमें प्रार्थना करना कि भगवान आप मुझे दिखाइए कि कौन है प्रमाणिक गुरु, कैसे मैं गुरु को प्राप्त करूँगा। तो ये जो पहले हम बात है कहाँ मिलते गुरु को, बाजार में हाँ वहाँ नहीं, हमें भगवान से प्रार्थना करना है। भगवान जो परमात्मा है चैत्य गुरु, वो देखेंगे कि हम गंभीर है, हम इच्छुक है गुरु से दीक्षा लेना, गुरु की सेवा करना। तब गुरु प्रमाणिक गुरु को के लिए व्यवस्था बनाएंगे कि हम प्रमाणिक गुरु से मिलेंगे। जैसे भगवान ने व्यवस्था किया ध्रुव के लिए, जब ध्रुव गए रास्ते में जंगल, तो तब ध्रुव नहीं सोचा कि अभी रास्ते में उसी जगह में मैं नारद से मिलूंगा, कोई विचार नहीं था। बस उनका दृढ़ इच्छा था भगवान को प्राप्त कर। तब भगवान जो परमात्मा है उन्होंने नारद को बेचा उसी रास्ते से, और उनको मिलन हुआ तो तब नारद ने पूरा ज्ञान दिया और मार्गदर्शन दिया। तो इस प्रकार ऑफकोर्स हमारा है कुछ ज्ञान कि हम कहाँ मिल सकते गुरु को, लेकिन फिर भी प्रार्थना तो करना चाहिए भगवान से और शिला प्रभुपाद से। अभी हमारे लिए इस कौन में शिला प्रभुपाद जो है वो वास्तव में मुख्य शिक्षा गुरु है सारे लोग के लिए जो इसी से जुड़ते हैं, वो शिक्षा गुरु है हमारे। परंतु उनसे प्रार्थना करना है कि वो हमें उन्हीं की कृपा से कि हम उनके जो कोई प्रतिनिधि है उन्हीं के शिष्य है कि हम उनसे उनका आश्रय प्राप्त कर पाएंगे, उनकी दीक्षा उनसे दीक्षा प्राप्त कर पाएंगे और मार्गदर्शन। तो हम उनसे भी प्रार्थना करना शिल प्रभुपाद से कि आप मुझे कृपा दीजिए, आप मुझे दिखाए कौन है मेरे गुरु, और भगवान से भी प्रार्थना करना। और तब जब हम मिलते हैं ऐसे गुरु से और हम उनसे श्रवण करने से इच्छा आते कि हम उनकी उनसे उनसे मार्गदर्शन लेना चाहते, तब हम उनसे पूछ सकते कि हम आपका आश्रय ले सकते। तब गुरु अगर बोले हाँ हम आश्रित तो आश्रित, अभी आश्रय मतलब तैयारी करना दीक्षा के लिए। जो गुरु अभी अभी आश्रय हो गया तो मतलब हम गुरु से श्रवण करना और गुरु बताएंगे, गुरु मार्गदर्शन देंगे हमें, और यदि हम पालन करना चाहिए उनका उपदेश। अगर हम मतलब और यदि दीक्षा जैसे दीक्षा के बाद जो करना होगा अभी करना शुरू करना तैयारी करने के लिए, तब दीक्षा के लिए हो सकता। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं मैं माला करूंगा बाद में जब दीक्षा लूंगा, दीक्षा के बाद माला करूंगा, क्योंकि सोचते कि माला करना केवल दीक्षा के बाद हो सकता। हाँ, कुछ ऐसा मंत्र है वेदों में जो केवल दीक्षा के बाद कर सकते, जैसे गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र आप अगर बिना दीक्षा जप करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे मंत्र है। लेकिन जो हरे कृष्ण मंत्र है वो पहले करना है, तब उसी जप करने से अगर गंभीर से हम कर गंभीरता से तब हम गुरु को प्राप्त करेंगे, और तब गुरु हमें जो भक्ति में सिद्धि है कृष्ण प्रेम वहां तक ले जाएंगे। अभी दीक्षा से पहले हरे कृष्ण जप करने का कोई फायदा है कि नहीं, क्या क्या करते हैं वो तो है, स्थिर रहता है। ठीक, ये कुछ तो फायदा है। और भगवान संतुष्ट है क्या नहीं जब हम जाप कर रहे हैं, क्या हम लोग को क्या पता है? मैं क्या पता, अच्छा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कितना जानते हैं, कि आप आपका समझना कि कहाँ तक है अभी, इसीलिए मैं आपसे पूछा। और अभी हम देखें आप कहाँ तक समझ, बाकी हम समझाएंगे। क्योंकि अगर मैं बताता हूँ बीच में आप लोग
आपका मन चले जाते, इसे मैं आपसे पूछा कि आप थोड़ा सोचेंगे, अभी थोड़ा दिमाग लगे। सब कुछ भलाई बात। हाँ ठीक है, एक मिनट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि माला जो हम कर रहे दीक्षा से पहले, वो सब तैयारी चल रहा है कि हम दीक्षा करेंगे। जब दीक्षा होगा गुरु से, तब वास्तव में वो चेतो दर्पण मार्जना और भी गहरे से जाएंगे पूरी तरह से। कई बार दीक्षा के बाद भक्ति में और कठिन लग रहा है, ये भी समझ में, और नहीं सोचना अभी मैं। कई बार हम सोचते हैं अभी हम दीक्षा लिया, दीक्षा के लिए तैयार करना, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं भक्ति में, अच्छे से माला, अच्छे से पूजा, अच्छे से सब कुछ पालन, और हम सोचे दीक्षा के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा सब, और भी आनंद होगा। लेकिन उसके बाद हो सकता है कि परीक्षा होगा। हाँ, अभी जो आपने बोला कि मैं समर्पित हो जाऊँगा, अब करेंगे कि नहीं, रुचि थोड़ा कम हो जाएगा, फिर भी माना करना होगा, ये भी हो सकता है, कई बार ऐसा है। तो ये परीक्षा का उद्देश्य है कि भगवान हम अपने हम भगवान हमें और भी शुद्ध बनाना चाहते हैं, और भी गंभीर, और भी भक्ति में शक्तिशाली बनने के लिए ऐसे। तो मतलब दीक्षा मतलब शुरुआत है, बिगिनिंग है। मत सोचिए कि उसके बाद बस गुरु हमारा, जो भी करना है गुरु ही करेंगे हमारे लिए, बाद में मुझे कुछ नहीं करना, नहीं बाद में करना है। इसे यहाँ पर जो पहले तीन सिद्धांत है, एक है गुरु से आश्रय लेना, दूसरा है गुरु से दीक्षा लेना इनिशिएशन, जिसमें दीक्षा मतलब जो एक औपचारिकता है, जहाँ गुरु भगवान के सामने, अग्नि के सामने, वैष्णव के सामने हम संकल्प देते हैं, हम ये सारे पाप नहीं करेंगे। कौन से पाप? चार नियम कौन से? हमेशा आहार नहीं खाएंगे और नाशा करेंगे नहीं करेंगे और अवैधिक स्त्री पुरुष संग जी करेंगे नहीं करेंगे, और उसके बाद क्या? सोलह माला नहीं, हाँ अवैधिक हमेशा जुआ और जुआ संभ गया, जुआ नहीं करेंगे, लॉटरी और नाशा नहीं लेंगे, और क्या करेंगे? सोलह माला करेंगे कम से कम, ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं करेंगे। तो ये उस समय हम संकल्प देते हैं, वो ये सारे नियम हम उससे पहले भी पालन कर रहे हैं, लेकिन अतः हम संकल्प दिया कि आज से हमेशा के लिए। तो ये है, और यहाँ दीक्षा और उसके आगे मतलब गुरु गुरु उसके साथ गुरु जो इंस्ट्रक्शन आगे देंगे वो हम पालन करेंगे, और उसके बाद तीसरा है जो इसमें भी आते हैं सर्विंग स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु की सेवा करेंगे विश्वास के साथ और दृढ़ता के साथ। फेथ एंड कॉन्फिडेंस, टू डू डिफरेंट वर्ड्स, बट हिंदी में विश्वास, फेथ, कॉन्फिडेंस क्या है पता नहीं, वो हम बाद में हिंदी में पढ़ेंगे क्या उसका। आपके आपके पास हिंदी भक्ति रसम का सिंधु है, अब लाइए वो। तो इस प्रकार हम देखते भागवत में बहुत सारे शिष्य हैं जो गुरु से जिज्ञासा करते पालन करते। हरे कृष्ण। तो हम देखेंगे कि वास्तव में भागवत गीता में भी भगवान ने कहा कि गुरु शिष्य का कर्तव्य क्या है, ये हमें देखना है कि हमारा कर्तव्य क्या है। कैसे कैसे? नियम और धर्म से पालन करना है। धर्म आप ये कौन से पेज में होगा? एविडेंस से इसमें 60 है। शिष्यों का कर्तव्य क्या है? भागवत गीता में भगवान ने कहा
कि शिष्यों का कर्तव्य क्या है। हाँ एक श्लोक है, तद विधि प्रणिपात है न परिप्रश्न न सेवा उपदीक्षांति थे ज्ञानास ज्ञानी नस्ते दर्शन। एक है विनम्र भाव प्रणिपात, जिज्ञासा जिज्ञासा होना चाहिए, और सेवा भाव, ये हमारा कर्तव्य है इसके इसको बढ़ाने के लिए जिज्ञासा। हमने देखा गुरु से दीक्षा फर्स्ट श्रद्धा तथा विश्वास, श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना, सेवाया गीता में सेवाया, और यहाँ बताते श्रद्धा तथा विश्वास के साथ गुरु की सेवा करना। हमारा श्रद्धा है और विश्वास है, और इसके साथ कि गुरु विश्वास का मान कि गुरु है भगवान के प्रतिनिधि है, गुरु भगवान के समान है, साक्षात दरित्व है ना समस्त शास्त्र है। ये सुबह हम गाते उसका अर्थ क्या है, मंगाते हम गाते साक्षात दरित्व है ना समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव्यत एव सदि, इसका अर्थ क्या है आप जानते हैं कि गुरु साक्षात हरि है शास्त्र में वर्णन है, किंतु प्रभोर या प्रिय एवता से, क्योंकि भगवान के प्रिय है इसीलिए, ये समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरु साक्षात हरि जो सारे ब्रह्मांडों का स्रोत है, परमात्मा जैसे सब कुछ जानते हैं, सारे हृदय में वास करते हैं, गुरु ऐसा नहीं है। गुरु क्यों भगवान के समान है, क्योंकि भगवान के प्रिय है और भगवान के प्रतिनिधि है, और जो भगवान बताते वही बताते सेम, इसलिए भगवान जैसा है, इसे उनको एक ही सम्मान देते जैसे भगवान को देते, परंतु तो फिर भी समझना कि ये गुरु भगवान के बाग थे, ऐसा नहीं कि गुरु भगवान हो गया अभी, ऐसे नहीं, ये कभी नहीं सोचना। तो इस प्रकार हम श्रील प्रभुपाद से सीख सकते हैं कि गुरु मतलब क्या, मतलब शिष्य मतलब क्या। जब भी वो जगत गुरु है वो दिखाते हैं आपने आचरण से शिष्य मतलब क्या, जब उन्हीं के गुरु ने आगे दिया कि जाओ अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो पाश्चात्य देशों में, तो श्रीला प्रभुपाद ने प्रयास किया, लेकिन समय बहुत समय लगा, फिर भी बाद में अकेले उम्र बहुत ज़्यादा हो गया 70 साल में, भारत को छोड़कर विदेश चले गया जहाज में, उनके पास पैसा भी नहीं था, केवल श्रीमद् भागवत पहला स्कंद उन्होंने अनुवाद किया, और मतलब उनके पास तबीयत भी ठीक नहीं था, पैसा भी नहीं था, जान पहचान लोग भी नहीं थे विदेश में उनके लिए। श्री प्रभुपाद ने कहा कि मेरे पास दो चीज था ऐसे, बस भागवतम और ये सब था, परंतु एक है संपूर्ण विश्वास कि गुरु की आज्ञा, कि गुरु 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 में गुरु जो आज्ञा दिया संपूर्ण विश्वास, और भगवान के नाम में संपूर्ण विश्वास, जब मैं हरि नाम प्रचार करूँगा तो लोगों का परिवर्तन होगा, और अगर मैं गुरु का आज्ञा पालन करूँगा तो मैं सही कर रहा हूँ, भगवान प्रसन्न होंगे, तो उसमें सफल हो गए। इसीलिए असंभव परिस्थिति में जो लगेगा बहुत ही दृष्टिकोण से कि एक बूढ़े व्यक्ति अभी ये ज्ञान लोगों को इस उम्र में विदेश में उसी समय जब लोग इतना भौतिक तवाद में लीन थे बोल सकते कि वो लोगों को भक्ति में लाएंगे, शुद्ध भक्ति, ऐसा नहीं तोरा तोरा पूरी तरफ से समर्पण करना, वो असंभव, फिर भी उन्होंने गुरु में विश्वास और भगवान के नाम में संपूर्ण विश्वास, तो उन्होंने विश्वास भी था लेकिन अपने शरीर से भी उन्होंने सेवा किया। नहीं हमने बताया कई बार बताते उस समय भी शायद हुआ देखो कैसे उन्होंने सेवा किया, उनको प्रोग्राम में जब लोगों को बुलाया वो अकेले प्रसाद बनाया सबके लिए, कीर्तन किया, प्रवचन दिया, और भी थोड़ा कीर्तन, और बाद में सबको प्रसाद खिलाया लोगों को, और बाद में जब सब चलेगा सब कुछ साफ आए और सारे बर्तन धोना सब कुछ,
जो आप लोग मिलके करते हैं उन्हें अकेले किए विदेश में कई बार, शिला प्रभुपाद। तो ये मतलब भक्त, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान प्रचार करने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, जो भी उनकी जो भी जरूरी है, जो भी जरूरी है करना है। वो नहीं कि मेरा सेवा ये है इतना मैं करूँगा, बाकी देख मीन्स ऐसा नहीं। वो जो भगवान पूरा करने के लिए वो कुछ सब कुछ करेंगे। तो ये हमें सीखना है कि इस सेवा भाव जो है, जो इस सेवा भाव इतना है कि आपने जीवन को भी खतरा में रखेंगे, आपने जीवन में भी कष्ट उतारेंगे दूसरे लोगों के लिए और गुरु की प्रसन्न करने के लिए। ये भावना हमें श्रील प्रभुपाद से सीखना है और भक्तों से, गुरु से भी हम देखेंगे, अलग से भी बात करते हैं उसके बारे में। तो अभी हम इतना समझ गए कि गुरु से आश्रय दीक्षा और उनके उनके मार्गदर्शन के अंदर में भक्ति करना वो जरूरी है, विकल्प नहीं है। विकल्प मतलब ऑप्शन कि हो सकते और नहीं भी हो सकते चलेगा, ऐसा नहीं। अगर हमें भगवान को प्राप्त करना, उनको प्रसन्न करना, तब गुरु ग्रहण करना एवाभिग चेतवाना ने करना होगा। अभी कैसे करना हमने बात किया, ठीक है। अभी अगर किसी का कुछ प्रश्न है इस विषय के बारे में आप पूछिए सवाल। अभी कुछ नियम है जो महाराज ने दिया कि कौन से बुक्स पढ़ना, ये पुस्तक दीक्षा से पहले पढ़ना चाहिए। अभी जो ये है उपदेशामृत, जिसे हम कुछ पहला श्लोक बताए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये पढ़ना जरूरी है। कैसे इंद्रियों को दमन करना, बाद में देखते हैं है कि नहीं आपके पास। दूसरा है कि क्या अनुकूल है भक्ति के लिए, क्या प्रतिकूल है, भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना, भगवान का नाम जप करना, ऐसे पूरा सब सब नारद वेद व्यास माधवाचार्य माधवाचार्य बाद में अपने शिष्यों और भागवत गीता, जो भागवत गीता है आपके पास उसमें हम देख सकते हैं कि हर एक आचार्य का नाम है श्रील प्रभुपाद तक ज्ञान यथारूप आ रहे हमारे पास। लेकिन जो हम बताते भगवान ब्रह्मा को बताए, ब्रह्मा नारद, नारद वेद व्यास को बताया, वो भागवत में सारे कथा है, सारे प्रमाण तो श्रीमद् भागवत में ही है सब, कि कैसे भगवान ने दूसरा अध्याय दूसरे स्कंध में कि कैसे भगवान विष्णु ब्रह्मा को समझाया जब तक उन्होंने बहुत तपस्या किया जन्म के बाद। भगवान ने आज्ञा दिया तपस्या करने के लिए, इतना तपस्या करने के बाद भक्ति माए तपस्या, तब भगवान संतुष्ट थे, उन्होंने ज्ञान बताया। बाद में वो भी अलग अध्याय में चर्चा है कि कैसे नारद ब्रह्मा से श्रवण किया, बाद में वो भी भागवत में आते कि कैसे वेद व्यास जब सारे वेदों को लिखा तो संदेह था उनके अंदर, थोड़ा असंतुष्टि थे, तब नारद आए और उनको बताया कि क्या करना, कि अभी श्रीमद् भागवत शुद्ध भक्ति के बारे में बताना। इस प्रकार नारद वेद व्यास के गुरु हैं। बाद में उसके वेद व्यास के बाद बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन माधवाचार्य एक है जो वो बाद्रिक आश्रम गए एक बार यात्रा के लिए, तो उन्होंने वहाँ पर सीधा वेद व्यास से वार्तालाप किया। वेद व्यास अभी तक है बाद्रिक आश्रम, सब लोग नहीं देख सकते, लेकिन माधवाचार्य इतना शुद्ध वैष्णव थे कि उन्होंने स्वयं वेद व्यास से मिला, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, कोई बात नहीं है। एक दृष्टिकोण से अच्छा है, क्योंकि अगर ये लोग आराम नहीं करेंगे अभी तो बात करेंगे बीच में, तो सबको परेशान करेंगे, अगर सो गए कम से कम दूसरों को परेशान नहीं कर। अच्छा उनके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि नहीं समझ पाते बात, ये अगर सोया नहीं अभी तो आप लोग नहीं सुन पाएंगे, बार बार परेशान करेंगे, क्या करें।
हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा है और गलत भी है, ठीक है। तो माध्वाचार्य उनके पास गया और वहाँ उनने, उससे पहले उन्होंने टीका लिखा श्रीमद् भागवत गीता में के बारे में, तो उन्होंने ये माध्वाचार्यों को वेद व्यास को दिखाया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार माध्वाचार्य और इसी उसी परंपरा जिसमें हम जिसे हम जुड़े हैं, उसमें चैतन्य महाप्रभु जो यहाँ पर है, उसी में प्रख्यात हो गया, जो स्वयं कृष्ण है, उसी परंपरा इसे ब्राह्मण गौड़िया गौड़िया संप्रदाय, मतलब चैतन्य महाप्रभु गौड़ देश बंगाल और उसी एरिया को गौड़ देश बोलते हैं, गौड़िया संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु के अनुगाम उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम ने गौड़ कृषि नम, उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया और विशेष सिखाया कलयुग में हरि नाम संकीर्तन। तो और उन्होंने कहा कि नाम संकीर्तन सबसे शक्तिशाली है, नाम संकीर्तन से हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु निरापराध नाम लाले पाया प्रेमदान, बिना अपराध जप करना चाहिए। तो कौन से अपराध है उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे क्लास में, ठीक है, इसके बारे में सीख जाएंगे और क्या करना वो सब, ठीक है। और कुछ प्रश्न है? ठीक है, वो कुछ पूजा के बारे में हमें बाद में अभी समाप्त करें और अभी बात कर सके, आपका कुछ प्रश्न था पहले? कुछ अभी हम हाँ बताएंगे अभी, ठीक है। और कुछ दूसरा प्रश्न नहीं इस विषय के बारे में? ठीक, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय, हरे कृष्ण।